बात करते हैं मध्य प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के तिवारी जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। गत विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, धौहनी जैसे सीट को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए असुरक्षित सीट मानी जाती थी इस बार, तो उनकी कड़ी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी वो सीट भी जीतने में सफल हुई है। अभी अभी उनको लोकसभा संसदीय क्षेत्र का संयोजक बनाया गया है, उनको एक बड़ा दायित्व मिला है। इसी संदर्भ में आज हम उनसे रूबरू होकर बात करते हैं। इतना बड़ा दायित्व तो आपको मिला है, जिस तरह से आपने विधानसभा चुनाव में मेहनत की और जो धौहनी सीट थी, जो जहां जीतना बहुत मुश्किल समझ में आ रहा था भाजपा के लिए, ऐसी सीट आपने दिलाई है, किस तरह से इसको आप देखते हैं इस जीत? मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए तो हर दायित्व बड़ा होता है, और जैसा कि आपने कहा धोनी की, मुझे जब धोनी के लिए कहा गया पार्टी संगठन ने तो थोड़ा सा अटपटा लगा। फिर मैं धोनी गया और वहाँ कार्यकर्ताओं से चर्चा किया। कार्यकर्ता जो शांत बैठे हुए थे, जिनसे मैंने जिलाध्यक्ष कार्यकाल में जिनको सक्रिय करके काम लिया, कुछ तो सक्रिय थे कुछ निष्क्रिय बैठे थे, उन सबको लगा करके कि भाई सीट जितनी आवश्यक है, और हमारे जो प्रत्याशी थे कुंवर सिंह जी टेकाम, वास्तव में धौहनी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने बहुत अधिक काम किया है, और मुझे पूरा भरोसा था कि जब हम उस काम के बारे में लोगों से बात करेंगे, उनको ध्यान दिलाएंगे, तो निश्चित रूप से ये सीट हमारे पास आएगी। और हुआ भी, जब मैं कार्यकर्ताओं से बात किया, अपनी पूरी टीम को सक्रिय किया, तो हमारे सारे कार्यकर्ता लग गए, और उसका परिणाम, जिसको द्रोह सीट मानते थे कि वो चुराहट के बारे में एक बार बोलते थे चुराहट तो जीत रहे हैं, पर धौहनी के बारे में बोलते थे कि धौहनी तो नहीं जीतेंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने कड़ी परिश्रम किया और वहाँ की जनता ने फिर से तीसरी बार कुंवर सिंह टेकाम जी को विजय दिलाई। इसमें हमारे कार्यकर्ता और धौहनी की जनता का श्रेय है। मैं तो निमित्त मात्र था, संगठन का आदेश मान करके वहाँ काम कर रहा था। अगर हम गत संसदीय क्षेत्र भाजपा के लिए बहुत अनुकूल रहा, आप चुराहट जैसी सीट जो भाजपा के लिए एक सपने जैसी सीट मानी जाती थी, उसको भी जीतने में आप सफल हुए हैं, क्या लगता है कि ये जो स्थिति है विधानसभा वाली स्थिति, क्या लोकसभा में इसको आप मेंटेन कर पाएंगे? निश्चित रूप से हम और अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में करेंगे, और जो पिछले लोकसभा का चुनाव था उससे ज़्यादा बेहतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सीधी संसदीय क्षेत्र में है। आपको मालूम है कि हम 7 विधानसभा, हमारे इस संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, और 8 में से 7 विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर वोटों से बढ़त बनाई हुई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा वातावरण और अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहां से विजयी होगा। अगर हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, गत विधानसभा चुनाव में अगर मालवा देखें, बुंदेलखंड देखें, महाकौशल देखें, हर जगह भाजपा कमज़ोर नज़र आई है, लेकिन विंध्य में बिल्कुल तस्वीर बदल गई। बड़े बड़े गणितज्ञों की, राजनीति के गणितज्ञों की गणित फेल हो गई, और इस तरह विंध्य में हवा चली कि कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। नहीं तो जो बहुमत का आंकड़ा है कांग्रेस के लिए, अगर यहाँ भी उसी तरह का माहौल होता जो पूरे मध्य प्रदेश में था, तो शायद आज ये स्थिति ना होती, लगड़ी सरकार ना बनती। क्या मानते हैं आप, क्या ऐसी कौन सी हवा थी कि इस तरह का परिणाम आया? एक तो प्रदेश की बैठकों में जाते थे तो हमारे जो प्रदेश नेतृत्व के या हमारे जो नेतागण हैं, तो अक्सर बोलते थे कि विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमज़ोर है, और जब आदमी अपने को कमज़ोर समझता है तो थोड़ा सा और अधिक उत्साह से और अधिक परिश्रम करता है। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने भी इस क्षेत्र में चुनौती के रूप में स्वीकार करके और काम किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन किया, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। माननीय शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो योजनाएं थी, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उसको जनता तक पहुँचाने में कामयाबी
प्राप्त की और जनता ने हमको सर आंखों पर बैठाया, जिन क्षेत्र में हमको अच्छा स्थान दिया। अगर हम बात करें कांग्रेस सरकार की, सरकार बनते ही कांग्रेस ने जो वादा किया था कर्ज माफ़ी का, मुख्यमंत्री बनते ही उसके दो घंटे बाद ही उन्होंने कर्ज माफ़ी का ऐलान कर दिया, जो कांग्रेस के लिए एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में माना जाता है, इसका कितना असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, जनता अच्छी तरह से जानती है कांग्रेस ने आसमान से तारे तोड़ने जैसे वादे किए हैं और उस वादे को कितना वो कर पाएंगे आप भी जानते हैं, जनता तो बहुत अच्छी तरह से जानती है। जैसे आप किसानों की कर्ज माफ़ी के बारे में देखिए, जिस समय चुनाव था उनने जो वादे किए थे तो उनने कहा कि हम किसानों के सारे कर्जे माफ़ करेंगे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं लाल फार्म भरवाइए, पीले फार्म भरवाइए, हरे फार्म भरवाइए, फिर ये इस शर्त से इनको वंचित करिए, इस शर्त से इनको रोकिए, तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से सरकार चलेगी और किस प्रकार ये वादे पूरे कर जाए पाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में है और सरकार ने जो वादे किए हैं, कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उसका पूरा करे, समय पर पूरा करे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नज़र लगाए हुए है। कहीं भी गड़बड़ होगी तो भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत के साथ खड़ी होगी, जनता के साथ खड़ी होगी, जनता वैसे भी हमारे साथ है। ये तो अंक गणित का खेल है कि कुछ सीटें हमारी कम हो गई, बाकी आप वोट प्रतिशत में भी अभी भी हम उनसे ज़्यादा हैं। अगर हम आगामी लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियों के लिए है, अगर हम सीधी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो चुरहट से अजय सिंह चुनाव हार चुके हैं और ये कयास लगाया जा रहा है कि सीधी संसदीय क्षेत्र से वो प्रत्याशी के रूप में, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर सकते हैं, और उनके मैदान में आने से कितना कड़ा मुकाबला होगा, क्या परिस्थितियाँ निर्मित होंगी? और उनकी ओर से कौन प्रत्याशी आता है ये वही जाने, वो तो आप देख रहे हैं चुनाव हारने के बाद कभी उनको मुख्यमंत्री, कभी गृह मंत्री, कभी प्रदेश अध्यक्ष, तो मुझे नहीं लगता कि आज कांग्रेस उनको कहीं महत्वपूर्ण जगह पर ले रही है। और हमारे लिए तो आज केंद्र में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमको अच्छे सहयोग दे रही है, हमारे साथ खड़ी हो रही है, और इसलिए चाहे प्रत्याशी कोई भी आए, भारतीय जनता पार्टी की यह सीट है, आगे भी रहेगी। ये अपनी जीत को लेकर पूरी तरह हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की फौज है, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और इसलिए हम पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके और अधिक मतों से इस संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे। लेकिन अगर हम आपकी बात करें, आपको भी एक लोकसभा का कैंडिडेट माना जा रहा था, लेकिन पार्टी ने ये दायित्व तो दे के कहीं ना कहीं कैंडिडेट की लाइन से आपको बाहर किया? देखिए, मैं संगठन लाइन का व्यक्ति हूँ, पार्टी ने छोटी बड़ी जो भी जिम्मेदारी दी उसको मैंने सर माथे पर लेकर के और उसी दिशा में काम किया। पार्टी मुझसे क्या काम लेना चाहती है, मुझे चुनाव लड़ाना चाहती है, मुझसे प्रचार कराना चाहती है, ये तो संगठन पर निर्भर करेगा। और जब भी संगठन ने जो भी जिम्मेदारी, मुझे छोटी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, उसको मैं अपने पूरे प्राणपण से जुट करके काम करने का प्रयास किया हूँ। ये मेरी भूमिका क्या होगी, मुझे कहाँ काम कराना है, ये संगठन तय करेगा। अभी हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य एवं वर्तमान में उन्हें लोकसभा संसदीय क्षेत्र सीढ़ी का संयोजक बनाया गया है। उन्होंने बोला कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस गत विधानसभा चुनाव में रहा है उसको हम फिर से मेंटेन करेंगे और सीधी संसदीय क्षेत्र को हम जीत हासिल कराएंगे, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, जीत भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित है। धन्यवाद।